Hi guys, I hope you are doing great. So guys, welcome to another episode of Simon's Lifestyle. ये है जोधपुर में मेरा डे वन एंड आज हम बहुत सारे जगह पे घूमने वाले हैं, जैसे कि है उमेद पैलेस है, मेहरानगढ़ फोर्ट है, देन मंडोर है एंड और भी कई सारे पार्क है, कैलाना लेक है एंड और भी बहुत कुछ है. तो आज देखते हैं कि डे वन में हम कौन कौन से जगह को एक्सप्लोर कर पाते हैं. एंड आई रियली डोंट नो कि मैंने कोई कैब नहीं बुक किया, ना कोई ऑटो बुक किया, ना कोई टोटो बुक किया है इस ट्रिप को कंप्लीट करने के लिए. अभी हम बाहर जाएंगे. आई नो आपको लग रहा है कि ये रात में रिकॉर्ड कर रहा है या सुबह. गाइस, ये सुबह का ही टाइम है बट मेरे रूम के अंदर 1% भी सूरज का किरण नहीं आता है, तो ये बहुत ज़्यादा साउंड प्रूफ भी है एक्चुअली. तो यहाँ पर आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये रात है या दिन है, तो दैट इज़ अ थिंग. तो अभी चलो हम निकलते हैं, निकल के ऑटो वोटो टोटो जो मिलता है या कैब मिलता है वो बुक करते हैं, बुक करके अपना जर्नी शुरू करते हैं. आप लोगों को दिखाते हैं कुछ अच्छे अच्छे जगह की तस्वीरें वीडियो. तो चलो ये वाला वीडियो को भी करते शुरू. तो हमको मिल गया एक ऑटो वाले अंकल, जो अंकल बहुत स्वीट है, वो हमको अभी लेके जा रहे उमेद पैलेस. तो चलो देखते हैं उमेद पैलेस का सीन कैसा रहता है. सो गाइस, ये है अपना उमेश पैलेस, चलो एंटर करते हैं. सो गाइस, यस हम आ गए अंदर एंड चलो यहाँ का जो माहौल है वो काफी अच्छा तो लग रहा है एंड लेट्स सी, होपफुली अंदर जाके आई बिलीव कि बहुत अच्छा कुछ देखने को मिलेगा. यहाँ पे कुछ बुकिंग सेंटर है, आई डोंट नो कि ये बुकिंग सेंटर किस चीज़ के लिए है, क्या है. अभी फ़िलहाल चलते हैं, अगर सामने कुछ आता है या कोई बुकिंग के लिए कुछ तब देख लेंगे. अभी फ़िलहाल अंदर देखते हैं एंड चलो मैं थोड़ा सा इधर का सीन आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार. ये है अपना उमेश पैलेस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो बहुत शानदार है एंड यहाँ का जो माहौल है वो भी काफ़ी शांत है एंड मुझे वीडियो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो ये सबसे बहुत बड़ी बात है. एंड दिस इज माई सोलो ट्रिप, यहाँ पे मैं अकेला हूँ. एटलीस्ट 3 से 4 दिन यहाँ पे रहेंगे, पूरा एक्सप्लोर करेंगे, फुल घूमेंगे, फुल मजे करेंगे एंड आप लोगों को भी दिखाएंगे कि क्या है क्या नहीं है जोधपुर का सीन. तो चलो अंदर चलते हैं यहाँ से. सो सैड गाइस, यहाँ पर हम लोग को एंट्री नहीं मिला. बस जो है ना कि मैंने अभी आपको कहा ना कि वहाँ पे कुछ बुकिंग सेंटर था, तो इधर का टिकट खरीदना पड़ेगा अंदर जाने के लिए, जो है 60 रुपीज़ का टिकट है. तो 60 रुपीज़ का टिकट हम लोग यहाँ से बुकिंग सेंटर वहाँ से खरीदने वाले, खरीद के फिर आते हैं इधर. चलो चल के टिकट बुक करते हैं. तो गाइस, जैसे देख सकते हो ये है अपना टिकट 60 रुपीज़ का जो हमने ले लिया है, उमेद भवन पैलेस. ओके, मैं इसका नाम गलत स्पेल कर रहा था, उमेद है ये. ओके, दैट्स ओके, दैट इज़ ओके. चलो चलते हैं अंदर.
एंड गाइस वहाँ पे जब मैं ये ट्राइपॉड एंड फोन को लेके इंटर कर रहा था तो वहाँ पर मुझे उन लोगों की तरफ से ये बोला गया कि लाइक अंदर नो वीडियो इज अलाउड, ओनली फोटो इज अलाउड। सो मैं अंदर जाता हूँ, अंदर जाके अच्छे से फोटोज निकालता हूँ, देन फोटोज को वीडियोज के हिसाब से शो कर दूंगा। थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेना, अगर या अगर पॉसिबल होता है मेरे तरफ से वीडियो निकालना अंदर का, तो ऑब्वियसली मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि वीडियो निकालूं, बट इफ नॉट पॉसिबल आई विल शो यू अमेजिंग पिक्चर्स ऑफ हियर। ओके गाइस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है कुछ अच्छे अच्छे ज्वेलरीज। बहुत ज़्यादा ही रिफ्लेक्शन है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ शायद अच्छे से, बट ये जो ज्वेलरीज है ये खरीदूंगा तो मेरा घर इसमें चला जाएगा। एक्चुअली गाइस, अगर आप इस पैलेस में आते हो 60 रुपीज़ का टिकट करके, तो आपको ये निराश तो नहीं करेगा, बट हाँ ऐसे यहाँ पर लाइक शौक होने से या चौंकने से जैसा, आई मीन चौंकने के लायक कुछ भी नहीं है। हाँ ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो बिल्डिंग है या जो अंदर का सीन है, ये बहुत आपको लाइक आई स्मूदिंग लगेगा, बट एट द सेम टाइम इतना भी कुछ खास नहीं है जिससे देख के आप लाइक वाव ऐसा वाला फीलिंग दोगे। एंड ये है अपना घड़ियों का, यहाँ पर बहुत सारे एंशियंट घड़ियाँ है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हो ये भी बहुत सारी, ये 1600-1700 साल के हैं। एंड बहुत सारे फॉरेनर्स आए हुए हैं पूरे जोधपुर में, मैं देख के चौंक गया कि इतने ज़्यादा फॉरेनर्स कैसे भाई आ गए। तो जो भी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत 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 सारे पुराने टाइम के घड़ियाँ है, जो लाइक काम तो फिलहाल करते नहीं हैं, बट फिर भी आप इन लोगों को देख सकते हो। तो अभी बात कर लेते हैं अपने ऑटो के। एक्चुअली जो ऑटो वाले हैं ना, आई मीन ऑटो वाले अंकल जो है, उन्होंने पहले 2000 बोला। अब मैं देखो, मेरा मम्मी बहुत ज़्यादा बार्गेन कर पाती है, तो लाइक उनके थोड़ा थोड़ा तो कुछ मेरे अंदर भी आएगा ना, तो मैंने भी बार्गेन शुरू किया। एंड शुरू करते करते मैंने उनको 1200 रुपीज़ में कन्विंस कर दिया फॉर 4 प्लेसेस। एंड वो जो 4 प्लेसेस हैं, उनमें से तो एक ही रहा जो आपने अभी देखा, एंड और बाकी 3 प्लेसेस हैं जिसमें हम लोग अभी विजिट करने वाले हैं। तो चलो, एंड हाँ ठीक है अंकल, ठीक है ऑटो वाला अंकल, ठीक है व्यवहार सही है। एंड 1200 रुपीज़ में 4 प्लेसेस घुमा रहे, वही 5 से 6 घंटे लग जाएंगे सारे प्लेसेस घूमने में, तो दैट इज़ क्वाइट फेयर। तो चलो आगे चलते हैं एंड देखते हैं डे वन में क्या क्या और हम देख सकते हैं या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो गाइस ये है मिर्ची वाड़ा, मिर्ची वाड़ा ना भैया ये, ओके तो ये है मिर्ची वाड़ा एंड लेट्स ट्राई इट आउट। ओके ये है मिर्ची, तो ज़्यादा तीखा नहीं है, अभी इधर अच्छे से गोलगप्पे भी देखें, गोलगप्पे भी खाएंगे। ये है मिर्ची वाड़ा जो मैं खा रहा हूँ। तो सुबह मैं उठ के ही बस हाथ मुंह धो के ही निकल गया था घूमने, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गया था उमेद पैलेस घूमने के बाद। एंड इसके बाद हम आ गए खाने के बाद मेहरानगढ़ फोर्ट। तो गाइस ये है अपना मेहरानगढ़ फोर्ट का एंटर, एंड जहाँ से एंटर करते हैं तो हम आ गए मेहरानगढ़ फोर्ट। एंड यहाँ पर देख सकते हो आप गणेश जी का मूर्ति है, एंड तो चलो अंदर चलते हैं। एंड यहाँ पर हम लोगों को ये कहा गया है कि यहाँ पर ट्राईपॉड आप नहीं निकाल सकते, बैग के अंदर ही रहना पड़ेगा। तो एंड आई डोंट थिंक यहाँ पे कैमरा, हाँ कैमरा लगे हुए है। तो नाइस गाइस, यहाँ का माहौल काफी अच्छा है। बट यहाँ पे कहाँ से कहाँ जाए यही कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमने मेहरानगढ़ फोर्ट का भी पासेस ले लिया। यहाँ पे एक्चुअली जो होता है वो है 200 रुपये करके होता है, बट आई एम ए स्टूडेंट, बीइंग ए स्टूडेंट आपको डिस्काउंट मिलता है 50% ऑफ का यहाँ पे राजस्थान में। ये बहुत अच्छा सीन है, तो मैंने यहाँ पे 100 रुपीज़ का टिकट ले लिया। इसमें लिफ्ट नहीं है, बट
ठीक है, यंग है, पैदल चल जाएंगे, तो चलो अंदर चलते हैं। तो गार्ड ने देख लिया अपना टिकट, ये रहा अपना टिकट एंड हम अंदर जा रहे हैं। गाइस क्या सही सीन है यार, लाइक दिस इज सो ग्रेट एंड ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, मतलब क्या ही बताओ, अजब गजब, मतलब कुछ बोलने का मतलब ही नहीं है, क्या सही है। बहुत ही ज़्यादा थक गया, तो चलो ये वाला आई मीन पीछे जो रास्ता देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा ऊपर है, ऊंचा है, तो मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ, ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाके फिर वीडियो करते हैं। तो गाइस अभी हम एंटर कर रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर, एकदम जो असली या जो मेन मेहरानगढ़ फोर्ट है। एंड ये राइट वाला साइड जो आप देख रहे हो, ये है टोटल पैलेस, या इसको हम म्यूज़ियम कह सकते हैं, अच्छा रहेगा। तो चलो म्यूज़ियम के अंदर एंटर करते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम। तो अभी आप देख सकते हो कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे बेहतरीन ओल्ड एज पलंग, जिनमें महाराज महारानियाँ घूमने जाते थे, अपने काम में जाते थे, जो अभी आपके सामने है, आप देख सकते हो। एक्चुअली ये एक सीढ़ी है, इस सीढ़ी से घूम घूम के जाना पड़ेगा हमको हर एक म्यूजियम के कमरे पे। एंड ये आप जो देख सकते हो, ये है महाराज का, लाइक मेहरानगढ़ फोर्ट का जो महाराज है उनका किला या रूम। एंड ये है उस रूम से निकलने के बाद का कुछ सीन। एंड गाइस ये जो बिल्डिंग है, ये जो स्ट्रक्चर है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। चलो डिटेल्स में बात करते हैं। दिस बिल्डिंग इज सो कन्फ्यूजिंग, सो कन्फ्यूजिंग गाइस। यहाँ पे अगर आप आते हो, मतलब आप गुम होने के, आप गुम हो सकते हो, आपके गुम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लिटरली जो सीढ़ियाँ मैंने आपको अभी कुछ देर पहले दिखाया, वहाँ पे लाइक पूरा लाइक आप गोल गोल राउंड करके नहीं जा सकते हो, वहाँ पर हर एक जगह पे एक रुकावट है, एक ब्रेकर है, जहाँ से आपको एक रूम के अंदर जाना पड़ेगा, फिर वो रूम घूमना पड़ेगा, फिर आपको कहीं और से बाहर निकल के फिर अप स्टेयर्स में जाना पड़ेगा। मतलब गाइस ये जो बिल्डिंग है ना, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है ना, एंड इतना ज़्यादा सुंदर है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो या इतिहास नहीं को पढ़ रहे हो, तो यू शुड विजिट दिस प्लेस गाइस, सच एन अमेजिंग। एंड यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे महाराजा महारानी के जो महल्स हैं, मतलब जो दरबार जो हम लोग देखते हैं कार्टून या मूवीज में, तो सीरियसली वो सच लगने लगा है यहाँ पे आके। ऑब्वियसली वो सच है, बट द थिंग इज इतना ज़्यादा रियलिस्टिक, इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया हुआ चीज़ है, वो शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा। ये जयपुर के अमेर फोर्ट है, और भी बहुत सारे फोर्ट्स हैं जहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें देखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, बट दिस किला और दिस पैलेस इज जस्ट अमेजिंग, एंड दिस इज़ नोन एज मेहरानगढ़ फोर्ट। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह, जब हम आए मेहरानगढ़ फोर्ट को घूमते घूमते, यहाँ के अंदर इस जगह के अंदर कुछ लाइक बाजार बैठा हुआ था, जिस जहाँ से, या शॉपिंग मॉल के टाइप बैठा हुआ था, जहाँ से आप बहुत ही अच्छे अच्छे नगरा या जो राजस्थानी जूते हैं वो खरीद सकते हो, राजस्थानी चूड़नी जो है, या जो कपड़े वगैरह है वो सब आप खरीद सकते हो। एंड काफ़ी अच्छा जगह है, इवन इसका जो प्राइजेस है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हाई है, इसी वजह से मैंने इधर से तो कुछ नहीं लिया,
बिकॉज एक एक जो चीज़ें हैं ना उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। एंड गाइस यहीं पे अपना ख़त्म होता है म्यूज़ियम, बिकॉज ये वाला जो काउंटर आप देख रहे हो यहीं से हम लोग म्यूज़ियम देखने के लिए एंटर किए थे। अभी हम लोग जाएंगे इस तरफ जहाँ से देखेंगे और क्या क्या है। गाइस आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम मैं यहाँ पर थोड़ा सा बैठने का जगह मिला है। यहाँ पर देखो पेड़ के छाव के नीचे बैठा हुआ हूँ। एंड गाइस ये जो फोर्ट है बहुत 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 ज़्यादा बड़ा है फोर्ट है। एंड लिटरली अभी करीब 2 घंटे से ज़्यादा हो चुका है हम लोग घूम रहे हैं, मतलब मैं अकेला ही घूम रहा हूँ, 2 घंटे से ज़्यादा हो चुका है बट अभी भी फोर्ट ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अभी तक तो आप लोगों को जो दिखाया वो था म्यूज़ियम, मतलब म्यूज़ियम तक आने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। उसके बाद म्यूज़ियम घूमे, म्यूज़ियम भी मोर देन 1.5 आवर्स के आसपास लग गया था। उसके बाद अभी तो बाहर आए एंड बाहर आने के बाद अभी भी जा रहे हैं। एंड ये आप सीनरी देख सकते हो जो है काफ़ी सही सीन है। सो अभी इस तरफ जाना है, इस तरफ जाके देखेंगे कि क्या क्या है क्या नहीं है। एंड आई डोंट नो कि ये जो मेहरानगढ़ फोर्ट का ट्रिप या मेहरानगढ़ फोर्ट कब ख़त्म होगा। इतना बड़ा इतना रियलिस्टिक एंड लाइक मतलब लग रहा है कि इतिहास के पन्नों से उठ के रियल हो चुका है, ऐसा सीन लग रहा है। सो दिस इज़ वेरी समथिंग वेरी ग्रेट। यू शुड एक्सपीरियंस दिस वंस इन अ टाइम एंड वंस इन अ लाइफ, सो यू शुड कम एंड विजिट दिस प्लेस। इट्स जस्ट अमेजिंग एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस इट विल बी फॉर यू इफ यू विजिट दिस प्लेस। और अभी हम आ चुके हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के एकदम एंड में, जहाँ पर आप देख सकते हो बहुत बड़े बड़े तोपे तोप रखे गए हुए हैं। तो अभी हम जाने वाले ये वाला मंदिर पे, थोड़ा सा अपने घर परिवार के लिए सुख शांति मांग के लाते हैं। चलो चलते हैं। सो गाइस ऑलमोस्ट 2.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका है ये वाला जो मंदिर पे आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये वाला मंदिर पे हम लोग गए थे एंड 2.5 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। एंड अपना जो ऑटो ड्राइवर है रहने वाले भैया वो शायद वेट कर रहे, उसने मुझे एक बार कॉल भी किया था बट यहाँ पर नेटवर्क ना होने की वजह से वो मेरे पास आया नहीं, मैसेज आया। तो मैं जल्दी से जल्दी पटाख से अभी इस मेहरानगढ़ फोर्ट से निकलता हूँ, निकल के जो दूसरी प्लेसेस हैं उसमें विजिट करता हूँ। चलो तो गाइस सबसे पहले हम उधर से आए, ये जो म्यूज़ियम का गेट है यहाँ पर से म्यूज़ियम के अंदर गए, ये है पूरा म्यूज़ियम, ये पूरा म्यूज़ियम घूमे, फिर इधर से हम आए एंड आके फिर हम इधर गए एंड इधर में जाके हमने वो तोपे देखे एंड इधर में जाके हमने मंदिर देखा, फिर हम वहाँ से बैक करते हुए आ रहे हैं एंड यहाँ से भी निकल रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स आए हुए हैं जोधपुर में इस टाइम पे, तो ये देखो कुछ नमूने कुछ सीन, बहुत ज़्यादा ही फॉरेनर्स आए हुए हैं भाई एंड दे आर वेरी गॉर्जियस एक्चुअली, या इट इज़। तो गाइज हम पहुंच गए हैं मंडोर गार्डन एंड अभी आप लोगों के शायद मन में ये सवाल आ रहा होगा कि लाइक मैं पहले था ऑटो में, ऑटो से कैसे मैं एकदम डायरेक्टली ओला या कैब में आ गया। द थिंग इज गाइज जो ऑटो वाले ड्राइवर थे उनका तबीयत हो गया ख़राब, तो उन्होंने बोला कि भैया मैं आपको होटल छोड़ देता हूँ एंड उसके बाद आप देख लीजिए आपको कहाँ जाना है। तो उन्होंने मुझे होटल छोड़ दिया एंड उसी बहाने में हमने थोड़ा सा खाना वाना भी खा लिया एंड खाना वाना खा के मैं थोड़ा सा होटल गया, रूम पे गया, रूम जाके थोड़ा सा फ्रेश होकर हम फिर से एक ओला कर लिए, ओला तो नहीं एक गाड़ी बुक कर लिया, करके हम फिर आ गए मंडोर गार्डन। अभी मंडोर गार्डन का ये हम एंटर कर रहे हैं, जो सीनरीज है या जो ग्रीनरीज है वो बहुत ही ज़्यादा सही है, चारों तरफ सिर्फ ग्रीन एंड ग्रीन, जैसे कि आप देख सकते हो पीछे ही मेरा सिर्फ ग्रीन एंड ग्रीन। तो चलो अंदर चलते हैं, अभी शायद 400 या 500 मीटर मुझे पैदल चलना होगा, तो अंदर चलते हैं एंड अंदर चल के दिखाते हैं तुमको बढ़िया बढ़िया कुछ सीन्स मंडोर गार्डन के। चलो तो ये है एक मंदिर एंड चलो देखते हैं इस मंदिर के अंदर चल सकते कि नहीं, काफी जो स्ट्रक्चर्स है काफी अच्छे हैं, तो इस रास्ते चलो देखते हैं चल पाते हैं कि नहीं।
क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मंडोर गार्ड में मुझे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगे देखने के लिए, तो वैसा एक्चुअली में कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये बहुत ही आई स्मूथिंग है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा कलाकारी इसमें शो किया गया हुआ है उस ज़माने के। बट हाँ, लाइक बट स्टिल लाइक मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था इस मंडोर गार्डन से कि मुझे और भी बहुत कुछ मिलेंगे। एंड इवन इस मंदिर के, ये जो मंदिर से इनके अंदर पूजा भी नहीं होते, इवन भगवान भी नहीं है, तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है मेरे लिए। अगर पूजा भगवान रहते या उनका पूजा होता यहाँ पर तो थोड़ा सा और अच्छा लगता, बट यहाँ पर कोई भी भगवान नहीं है फिलहाल इस टाइम पर, बस ये सारे स्ट्रक्चर्स ही आपको देखने को मिलेंगे। एंड अभी चलो एक मंदिर के अंदर हम चलते हैं, ये हम चल रहे हैं मंदिर के अंदर। एंड मंदिर का जो एंट्रेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है, एंड इवन अंदर का जो स्ट्रक्चर्स है, अंदर का जो कलाकारी है, अंदर का जो डिज़ाइंस है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से, आप लोग देखो इसको, क्या सुंदर कलाकृति है ना, कितना सुंदर है, इतने पुराने ये सब स्ट्रक्चर्स हैं फिर भी इतने अच्छे हैं, ये देख के भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ये है सेकंड वाला अपना एक मंदिर, इसमें भी हम आए, इसमें भी हमने घूमे एंड इसमें भी देखा जो कलाकृति है, एंड इसका भी एक्सपीरियंस हमने ले लिया है। एंड तो चलो अभी इधर से निकलते हैं एंड निकल के कुछ और चीज़ें ट्राई करते हैं। तो गाइस ये तो दो मंदिर है जो मैंने आपको दिखा दिया, एंड अभी हम लोग सामने का, हम लोग कौन है भाई तेरे अलावा, तो मैं अभी सामने चल रहा हूँ, सामने देखते हैं और क्या क्या मिलता है। अभी ये जो तो मंदिर देखे गाइस, ये मंदिर का एग्जैक्ट तो नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि लाइक उड़ीसा में एक मंदिर है पूरी, वो जगह का नाम है, उधर का एक जो मंदिर है जगन्नाथ जी का मंदिर, वो मंदिर का जो स्ट्रक्चर्स है ना, वो मंदिर का स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा इसके जैसा ही है। आई डोंट नो कौन किससे इंस्पायर हुआ है, बट इन दोनों मंदिर को देख के मुझे उधर का जगन्नाथ जी का मंदिर का याद आया। एंड अभी हम लोग सामने की तरफ चल रहे हैं, देखते हैं कि सामने की तरफ क्या है। मैंने पूछा, इन लोगों ने कहा कि सामने बहुत कुछ है और भी बहुत कुछ है सुंदर सुंदर, तो चलो सामने सुंदरता को खोजते खोजते चलते हैं सामने। एंड अगर कुछ सुंदर दिख जाए तो ऑब्वियसली मैं तुम लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा, चलो सामने चलते हैं। आई डोंट नो गाइज आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि नहीं, बट मेरे पीछे इतने सारे बंदर सुन, इतने सारे लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आई डोंट नो कि मेरे फ़ोन छीन के लेके चला जाए या नहीं, मैं दिखाता हूँ, देखो देखो और चलते हैं सामने, और सामने और सुंदरता की खोज करते हैं, चलो चलते हैं सामने। सो गाइस चलते चलते सुंदरता की खोज करते करते हम इतना ऊपर आ गए जहां से सूरज हमको एकदम डायरेक्ट चुम्मा दे सकता है, मतलब लिटरली मेरे आंखों के सामने लग रहा है कि ऐसे पकड़ लूं। तो देख सकते हो जो व्यू है काफ़ी शानदार, एंड जो गाइस एनवायरनमेंट है लवली लवली एनवायरनमेंट है, एंड काफ़ी सही लग रहा है, काफ़ी सही लग रहा है। तो ऊपर जाने का तो मन कर रहा है, इधर थोड़ा सा और भी ऊपर हम जा सकते हैं, बट इधर सांपों का थोड़ा सा डर मुझे एक्चुअली लग रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा कि ऊपर तो इतना ऊपर जाना सही रहेगा या नहीं। रास्ता तो बने हुए, एक बार चलो देख के ही आते, जो होगा देखा जाएगा, चलो चलते हैं, अगर कोई आ जाए तो भाग जाएंगे और क्या ही कर सकते, चलो थोड़ा सा चलते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा ही ऊपर आ गए हम एक्चुअली इधर से, अभी शायद हमको नीचे जाना सही रहेगा, यस नीचे जाना ही सही रहेगा। तो वैसे ये जो मंदिर है या जो गार्डन है, गार्डन ही कह सकते हो, मंडोर गार्डन, इस मंडोर गार्डन में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, बेकार मेरा ओला का 600 रुपीज़ खर्चा हो गया कोई ना, स्टिल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, इतना ऊपर आके आप बात करो किसी से,
इतने ऊपर आके मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ एंड इतना सुंदर मीठा मीठा हवा चल रहा है ना, मतलब क्या ही बताओ, अलग ही सीन है। सो दिस इज सो नाइस, इज सच अ नाइस एक्सपीरियंस। एंड द मोस्ट हार्ट ब्रोकन वाला थिंग वो है कि गाइज कल है एक्चुअल दिवाली, तो जो ड्राइवर्स वाले भैया है वो सभी यही कह रहे हैं कि कल भैया आप कहीं पे मत जाओ, डे टू आप रेस्ट करो अपने होटल पे, फिर डे थ्री या डे फोर डे फाइव जब जहाँ चाहना चाहे आप जा लो। बट राजस्थान के ये जो उदयपुर जोधपुर है, इस जोधपुर का मोस्टली हमने सभी चीज़ें कवर कर लिया है एंड अभी बाकी है डेजर्ट सफारी, कैमल सफारी, जीप सफारी, टेंट, ये सब बाकी है। तो ये सब करेंगे हम डे थ्री में, डे टू हम रेस्ट लेंगे बिकॉज यहाँ पर सब कुछ बंद होने वाला है। डे टू में दुकान पाट गाड़ी सब कुछ बंद रहेगा तो डे टू में निकलने का कोई फ़ायदा नहीं है। डे टू हम रेस्ट करेंगे, डे थ्री यस डे थ्री हम फिर से जाएंगे सुबह सुबह कैमल सफारी, डेजर्ट सफारी, जीप सफारी में एंड आप लोगों को दिखा के बहुत ज़्यादा खूब खूबसूरत चीज़ें। तो गाइज ये डे वन का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये व्लॉग, बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की, बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने की भी कोशिश की है। सो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करो एंड अभी अगर इधर तक आ चुके हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो यार, बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। यस तो लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड कर दो शेयर दबा के अपने दोस्त लोगों के साथ। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ डे थ्री वाला व्लॉग लेके, तब तक बाय।